यात्रियों को मिला चार नई ट्रेनों का बड़ा सौगात जो कि बिहार में ही चलने जा रही है। नमस्कार दोस्तों, IRKR न्यूज चैनल में आपका स्वागत है, जहां पर कि हम बात करेंगे चार नई ट्रेनों के डिटेल्स के बारे में और इनके रूट टाइमिंग अपडेट के बारे में। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, उससे पहले हमारे इस चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब। दरअसल बिहार के यात्रियों को बड़ी सौगात रेलवे की तरफ से। अगर आप लोकल रूट पर सफर करते हैं तो आपके लिए रेलवे लगातार चार नई ट्रेनों का संचालन शुरू करने जा रही है। रेलवे के द्वारा पैसेंजरों की सुविधा के मद्देनजर बिहार के सहरसा रेलवे स्टेशन और सुपौल के साथ साथ दौरम मधेपुरा के मध्य आज से चार नई स्पेशल ट्रेन चलेगी। यह जानकारी पूर्व मध्य रेलवे के अधिकारी द्वारा दी गई है। इस नई ट्रेन के परिचालन के कारण आज से इस रूट पर पैसेंजरों को बेहतर सुविधा मिल पाएगा। ट्रेन नंबर 00516 के साथ यह ट्रेन सहरसा से फारबिसगंज डेमू के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन के स्टॉपेज और टाइम टेबल में सहरसा से सरायगढ़ के मध्य परिवर्तन किया जा रहा है। इसके साथ ही अब यह ट्रेन 00516 के साथ सहरसा से फारबिसगंज डेमू पैसेंजर ट्रेन सहरसा से सुबह 6:45 के बजाय 7 बजे यह ट्रेन यहाँ से रवाना की जाएगी और तमाम रेलवे स्टेशन होते हुए यह ट्रेन सरायगढ़ रेलवे स्टेशन 8:30 पर पहुंचेगी। इसके साथ ही रेलवे जो तीन नई ट्रेनों का संचालन शुरू करने जा रही है, उनमें से पहली ट्रेन सहरसा से सुपौल के बीच होगी। सहरसा से सुपौल के बीच यह ट्रेन 05279 के साथ चलाई जाएगी, जहां पर कि यह ट्रेन आज से शुरू होने जा रही है और यह ट्रेन सहरसा से सुबह 4:45 पर खुलेगी और पंचगछिया के रास्ते गड़बड़वाड़ी होते हुए सुपौल रेलवे स्टेशन 5:40 पर पहुंचेगी। दूसरे दिशा में यह ट्रेन 05280 के साथ सुपौल से सहरसा के लिए चलेगी, जहां पर कि सुपौल रेलवे स्टेशन से 6:05 पर यह ट्रेन रवाना होगी और सहरसा रेलवे स्टेशन 7 बजे यह ट्रेन पहुंचेगी। तो यह था आज का लेटेस्ट वीडियो अपडेट। आने वाले नई ट्रेनों के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।